हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशी टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिस्को की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस सिस्को की तरफ से टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप आप सभी के लॉन्च हुई है जहाँ पर 2021 एंड 2022 पास आउट बैच अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 35,000 इन हैंड सैलरी आपको देखने मिल जाती है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ए टू जेड सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं मैं। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखें एंड चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इंडिया UHR। तो गाइस यहाँ पे टेक्निकल ग्रेजुएट इंटर्नशिप देखने अप्रेंटिसशिप मिल जाती है सिस्को की तरफ से। अब गाइस अप्रेंटिसशिप होती क्या है, अप्रेंटिसशिप काइंड ऑफ इंटर्नशिप ही होती है जो कि आपको सिस्को की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दिया जाता है कि इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है, वो सभी चीजें आपको अप्रेंटिसशिप में पता चलती है। एंड जो फुल टाइम वर्कर को वर्क दिया जाता है वही चीजें आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपको काम करना होगा। जहाँ पे आप देख सकते हो बैंगलोर इंडिया यहाँ पे लोकेशन मेंशन की गई है एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट IT यहाँ पे मेंशन किया है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। जहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस और सिमिलर फील्ड, डाटा इंजीनियरिंग और सिमिलर फील्ड। तो गाइस अगर आपने BTech कंप्लीट किया है इन सभी ब्रांचेस में से कोई भी एक ब्रांच में तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ आपका ग्रेजुएशन जो है 2021 या 2022 पास आउट बैच से होना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मस्ट बी अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम October 2022। तो October 2022 से जो है स्टार्ट होने वाला है आप सभी का 12 मंथ का ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होने वाला है। एंड अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो आप, तो आपको फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। एंड गाइस यहां पे 35,000 तक का आपको अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जहां पे लोगों को फुल टाइम जॉब में इतना सैलरी नहीं मिलता है वो आपको अप्रेंटिसशिप में मिल रहा है। एंड ये कंप्लीट करते हो परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो मस्ट हैव इनरोल एज अ स्टूडेंट और MHRDANETS.government.in एंड हैव वैलिड स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर इश्यूड बाय NETS। तो गाइस NETS वेबसाइट है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो आप बाद में भी कर सकते हो। ओके वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका पैशन होना चाहिए एंड डिजायर टू लर्न होनी चाहिए। ओके यहाँ पे आपको एक लिंक देखने मिल जाती है अप्लाई नाउ की जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है, वो डिटेल्स आपको फिलअप करनी है एंड इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप ये फिलअप कर देते हो उसके बाद आपको एक मेल आता है दूसरे दिन। ओके वो मेल आता है, मेल में आपको यहाँ पे लिंक दी जाती है जहां पे आप देख सकते हो सिस्को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम NETS पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें मेंशन किया गया है। ये भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये भी आप जो है फिलअप कर सकते हो। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो असाइनमेंट की डेट देखने मिल जाती है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन असेसमेंट की डेट, तो जो नेक्स्ट असेसमेंट होने वाली वो 11th of September में होने वाली है तो उसके लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके यहाँ पे सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है जो कि आप रीड आउट कर सकते हो गाइस। ओके एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 35,000 तक के आपको इन हैंड आपको सैलरी मिल जाती है। एंड यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए तो आपका यहाँ पे रिज्यूमे बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, वहीं से शॉर्टलिस्टेड होते हो आप। ओके साथ साथ रिज्यूमे के ही बेसिस पे आपको जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके अब एग्जाम की बात कर ली जाए, एग्जाम में 40 MCQ क्वेश्चंस होते हैं एंड 1 कोड होता है, एक कोड दिया जाता है आपको जिसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा टफ होता है एंड 40 MCQ क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। ओके इस तरह से आपको ये क्लियर करना होता है, इस ये क्लियर कर देते हो आप तो आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली आपको आपके रिज्यूमे से ही क्वेश्चन पूछता है एंड अगर आप वो अच्छे से दे देते हो तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात कर ली जाएगा इस यहाँ पे MCQs कौन से होते हैं, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस में DBMS एल्गोरिदम हो गया, सुडो कोड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ये सभी आपको पूछे जाते हैं एंड 60% पकड़ लो आप कट ऑफ होता है यहाँ पे। ओके एंड ये जो एग्जाम होता है गाइस यहाँ पर आपको काफी अच्छे से परफॉर्म करना होता है एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 35,000 इन हैंड मिल रहे हैं उसके बाद फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल है तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो मैं आपसे रेगुलरली शेयर करता रहूंगा। एंड गाइस अपने फ्रेंड्स को भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर कर दीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।